أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتم بالخير تو اج ان شاء الله تعالى هم سوره نور जो आख, जो पहला रुकू है उसकी जो लास्ट की दो आयतें हैं उनका ग्रामेटिकल मुख्तसर अंदाज में कर लेते हैं तो चलते हैं आयत जो है हमारी तरह इस तरह की आयत है वयद रात बिल्लामाजी वीबा इनका नमीन सदी फजल आल रतवाबल पहली आयत पे चलते हैं पहले इसके जो कलिमात है उनका मुतान कर लेते हैं वाह अन हा अन हजाबा तशहद और शहादातिम शहादात शहादात बिल्ला पहले यहाँ तक देख लेते हैं वरब और यदराहू ये इसमें हम जानते आलम अलामत मुजारे यहाँ मौजूद है, है, है। आखिर पे देखिए अलिफ इसका मतलब इसका ये यदरा ऊना होना चाहिए था मुजारे का जमा वाला से गायब का तो नून हट चुका है इसका ठीक है ना तो हम जानते हैं नून ड्रॉप दो ही एक उसकी एक शक्ल ये भी हो सकती है कि आ, या तो इससे पहले जो कुछ यू नो ये हरूफ है तो क्योंकि आयत यहां से स्टार्ट होती इससे मतलब माँ कबल जो आयत है उसमें किसी हरूफ का इफेक्ट इस पर आया है यानी वहां से बात चल रही है हम जानते हैं इसके माँ कबल जो आयत है वो आ, वो जो जब मर्द अपनी बीवी के बारे में चार कसम खा ले चार बार कसम खा ले कि नहीं इसने ये झूठ इसने ये फैल किया है तो आ, जैसे आयत इस तरह से थी कि والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشا... ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن أن, أن غضب الله عليها أن غضب الله عليه في بريفيس آ... إن كان من الكاذبين تو ये दरा फल मुदारे है जमा वाला गायब का सीगा उसका जो रूट रोड है दाल और रा और हमजा तो इसका मतलब है टल जाना टल जाना टल जाने की मीनिंग टल जाने की मीनिंग टल जाना हट जाना कोई चीज हट जाना टल जाना वह यदरा सब टल जाते हैं टल जाएंगे उस तरह का मीनिंग अन हा जार मजरूर उन उससे उस या उनसे अनहबा उन उनसे अन उन अल अजाब इसम अजाब अन ये वो हरूफ आगे इसकी मैं बात कर रहा था एक कुछ हरूफ होते हैं जो मुजाह को मनसूब बनाते हैं उनमें अन लन और आपका ये हो गया अन लन और लामिक ये हमने ऑलरेडी आसान कुरानी जुबान में डिस्कस किया है तो यहाँ पे आगे मुजारिया है वो मनसूब है यहाँ पे तशहादु से ये होना चाहिए था तशादु होना चाहिए तशहद बन गया अन से तुम गवाही देते हो या दोगे देते हो या दोगे अरे शहादात शहादम अब गिनती वाला अदद वाला कॉन्सर्ट हम जानते हैं तीन से दस तक की जो गिनती है उसमें पहले आदत आता है फिर महदूद आता है और ये मुजक्र होगा तो ये मोनस होगा ठीक हो गया तो ये मुजाफ मुज़ाफ़ अलई के साथ इनका बिहेवियर है तो ये इनकी मोटिवेटिव पॉइंट्स है तो यहाँ पे देख लीजिए ये पहले ये है शहादात बाउ मुजाफ मुजाफ मुजाफिलई तो अब यहां पे अरबा इस मनसूब आया क्योंकि ये जो है आपका अंतिया का मफूल अरबा फिर मुझाफ, मुझाफ चार गवाह इसका मीनिंग लेंगे हम चार गवाह चारों की गवाही बिल्ला क्योंकि आप ले तुम गवाही दी तो तुम गवाही दो चार चार बार क्या है? चार बार शहादात बिल्ला अल्लाह की कसम हम जानते हैं की कसम यानी अल्लाह की कसम खा के आप चार बार गवाही दोगे दो कि फला औरत ने अन नेरमून यानी उनकी जो औरत है उस पर जो उसने ये जो इल्जाम लगाया या उसने कहा कि उनकी जो औरत है या उन लोगों ने कहा कि उनकी या जिन लोगों ने कहा कि उनकी औरत ने फला फल किया है एक गलत काम उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि आ, उनके लिए फला जो माकबल आया थे उसमें लिखा था कि वो चार बार ये कसम खा लेंगे वो फेल किया है अब यहां पे जो औरतों के लिए यहां पे हुक्म यह है उनसे अजाब टल सकता है वह यदर हा हा की जमीन है नहीं उन औरतों से जिनपे इल्जाम लगाया है उनके मर्दों ने उनसे अजाब टल सकता है कैसे गवाही दे या क्या? चार बार, चार बार की कसम खा के गवाही अल्लाह की कसम खा के कि मैंने ये नहीं किया तो उनकी जो गवाही काबिल कबूल हो उनने ये फयाल नहीं किया इन न हो और ये वो ये कहें कि बेशक वो बेशक वो इन न प्लस हो हु, जमीर बेशक वो इन ना

उस मर्द के लिए अब उस औरत के लिए हुक्म है कि अगर उसके मर्द कसम खाए चार बार वो जो पिछले आयत में गुजर चुका औरत के लिए क्या है उन अनहल अजाब उनसे अजाब टल सकता है या टाला जा सकता है इस सूरत में कि अंतशहदा की वो गवाही दे सॉरी ये ये तुम वाला नहीं है ये मोनस वाला है तुम गवाही वो गवाही दे अरे वो औरतिया वो औरत गी अंत अरबा शहादातम बिल्ला की चार बार अल्लाह की कसम खा के अल्लाह की कसम मैंने ऐसा फ्याल नहीं किया ये चार बार कसम खाए इन नमिन काजबीन यानी वो मर्द जो मुझ पर यह इल्जाम लगा रहा है वो झूठ झूठ बोलने वालों में से वामी सतह और और पांचवी बार ये क्या कहे जैसे अरबा चौथी बार अब ख़ामी सतह मनसूब के साथ और पांचवीं बार और पांचवी हम जानते हैं ये खामी सुन फाइल की पैटर्न पे गिनती आती है फाइल ये है हम जानते हैं जो तो जो अदद जो दो टाइप है हम जानते हैं अदद एक जाति वाला है तो एक खामिस की पैटर्न पे आता है और पांचवा पांचवी बार वो क्या कहे अन गदब, गजब अल्लाह के गजब मुजाफ मुजाफले अन से मंसूब बन गया ये अल्लाह का गजब अलहा यानि उस औरत पर उन उस पर इन अगर की इन काना अगर वो हो यहाँ पे काना हमने बहुत डिस्कस किया काना अगर ची पास्ट का है फेल आ, ये जो है आ, ये जो है वो जो फेल की कैटेगरी है काना लेकिन हमने कहा तीनों जमानों के लिए इस्तेमाल हो सकता है इन काना मिनल, मिनल स्वादिकिन जो है जूटू में असम ये जो औरत है औरत पांचवी बार यही कसम खाए कि अल्लाह ताला का गजब हो उस पर यानी मुझ पर जो कसम खा रही औरत वल वाम गजब अल्लाह और और, और पांचवी बार ये कि अल्लाह का गजब हो आलही उस औरत पर इन काना मिनस सा अगर वो मर्द था सादिकून अगर वो मर्द सच्चा था यानी अगर वो अपनी चार कस्बों में जो उन्नी खाए थे अगर वो सच्चा है तो अन् गज़ब अल्ला तो मुझ पर गज़ब यानी वो औरत उस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो फिर नेक्स्ट आया थे था वउला लउला क्यों नहीं हम जानते इसका मीनिंग क्यों नहीं लव अगर अगर और ला नहीं लेकिन जब इकट्ठे आए तो क्यों नहीं लउला फजल मुजाफ मुजाफले अल्लाह का फजल अल्लाह का फजल

तो नतीजा कुछ और होता है यहाँ पे वो हजफ यानी यहाँ पे वो बयान नहीं किया गया आगे उसी के साथ बयान है कि वह अल्लाह, अल्लाह मनसूब इसके साथ तवाबन इसका इसमालगा तवाबन हमाल हम के वजन पे बहुत तोबा को कबूल करने वाला हकीम बहुत हकमत वाला और एक इसमबाल यानी बेशक अल्लाह जो है बहुत तोबा कबूल करने वाले बहुत हिमत वाले यानी ये जो आपसे चार गवाही चार बार कसम खाई जा रहा है फिर पांचवी बार ये कसम खाया जा रहा है पहले मर्द से जब वो इल्जाम लगाता है फिर औरत से तभी उसे अजाब हट सकता है इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी हिमतें शामिल है इसलिए यहाँ पे जो है इस आयत में लिखा गया है वलमिलाफुल्लाकुम ये जो तुम लोग दो में से तो एकजुटा कसम खा रहा है अब अल्लाह जो है वाले वाला अगर अल्लाह तला का फजल और रहमत तुम सब पर नहीं होती है तो वहां उसके बाद वो जो आगे जो बयान होना चाहिए था वो यहाँ पे वाजा नहीं है तो इसमें मुफशरी ने लिखा है कि नहीं तो आप इसमें अल्लाह तला की जो हिकमत है इसमें अल्लाह की बहुत सारी हिकमतें हैं नहीं तो आप पर नाजिल हो जाता है अगर नहीं है होता अल्लाह का फजल आप पर आपकी और रहमत आप पर, उसकी रहमत आप पर तो इसका नतीजा कुछ और होता है तुम गजब में तुम सब जो है पकड़ नाजिल हो जाती है बहरहाल वो यहाँ पे हजफ है व अन फरमाए के बेशक अल्लाह तहुत तोबा कर तोबा कबूल करने वाले बहुत हमत वाली है तो ये हमारी आज की आयत होगी जो आपका इस नूर की अदाब और, और सब जो है पर टल सकता है आलहा उनसे अलाब अजाब इसलिए मनसूब है मफुल भी कैसे अन तशहद अरबा शहादत ये कि वो तशहद कि वो गवाही दे चार बार गवाही अल्लाह के नाम से बिल्ला यानी अल्लाह की कसम खा के गवाही दी थे इन् नाजबिन यानी वो मर्द जिस पर उन्होंने उनके मर्द ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाया तोहमत लगाई है वो झूठू में से है वाल खामी सतो और पांचवीं बार ये क्या करे अन्जब अल्लाह आल ये कहे कि अल्लाह का गज़ब हो यानी उस औरत पर जो कसम खाए उन पर इनकाना मिन स्वादिन अगर वो मर्द सच्चा हो यानी अगर मैं खुद जूठी हूँ और वाल फ्लिकम और अगर नहीं होता अल्लाह का फजल तुम सब पर और रहमत उसकी रहमत तो नतीजा कुछ और होता है वो यहाँ पे हजफ है व नल्ला तवाब हकीम के बेशक अल्लाह तरफ बहुत तबा कबूल करने वाले बहुत हमत वाले सुबह अल्लाबिफ़ानबिख अशहतलता